प्रेम यूनियन की जानिब से हबीब बैंक में तनख्वाहों की अदम फरहमी, बंद ट्रेनों और रेलवे कॉलोनी में पानी की अदम फरहमी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली रेलवे स्टेशन लोको शहर से निकाली गई। रैली में सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहरीन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ परजोश नारे लगाए। मुकर्ररीन का कहना था कि तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी से हमारे घरों में फाके पड़ गए। रेलवे प्रेम यूनियन की तरफ से आज जो ये इत्तेजाजी मुजाहरा हुआ, हमारा जो अहम मुतालबात हैं वो हबीब बैंक ब्रांचेस की तरफ से हमारे रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलना है। हम आज के इस रैली के तवसत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे रेलवे मुलाजमीन हबीब बैंक ब्रांचेस में कम से कम सोमवार के दिन हर हाल में हमारी तनख्वाहें मिल जानी चाहिए, वरना हम अपने इसमें एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। लेकिन 17 से 18 तारीख तक तमाम बैंकों में हो गई, इस्लामी में, MCB में, UBL में और आपके तमाम जितने भी ब्रांचेज हैं तमाम बैंकों में हो गई। लेकिन वाहिद एक हबीब बैंक ऐसा है जिसमें ना हरनाई ब्रांचेज में तनख्वाह हुई, न शारक ब्रांचेज में, न मच ब्रांच में, न सिबी ब्रांच में और न कोयटा ब्रांच में। मुकर्ररीन का कहना था कि तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी से हमारे घरों में फाके पड़ गए। वालदैन बीमार पड़े हैं, जल्द से जल्द हमारी तनख्वाहें दी जाएं और हबीब बैंक के शाखों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर सैयद नवाज अली शाह, ENN न्यूज से भी। इंतजामिया।